Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum friends. From today, we are going to start our 9th class math science group. और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें English medium को और Urdu medium को दोनों को consult करूं. तो जो आपका first unit है, उसमें हम study करने जा रहे हैं matrix को. Matrix यानी कालब. और matrix की जमा होती है matrices. तो कालब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आए इसको समझते हैं और उसके बाद हम ये जो आगे फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 इसको शुरू करेंगे. और लिखा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनका ऑर्डर निकालें. ऑर्डर क्या है, मर्तबा क्या है, इसको हम अभी समझते हैं. सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं कि भाई कालब क्या है. तो उसके लिए मैं समझाने के लिए आपको ग्रीन मार्कर यूज करूंगा. तो सबसे पहले देखें कालब किसे कहते हैं. कालब यानी मैट्रिक्स. व्हाट इज दिस? एक्चुअली होता क्या है कि हम कुछ चीजों को जमा कर इकट्ठा कर लेते हैं, आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को हम कालब कहते हैं. जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं, इसकी डेफिनेशन होगी कि हकीकी अदाद हैं, इनका एक हकीकी अदाद का एक मुस्ततीली उफकी. अब ये उफकी क्या है, मुस्ततीली क्या है, भी आपको समझाता हूं. और अमूदी कतारी खाका, ये कतारी खाका है जी, ये जो के ब्रैकेट से मुहित किया गया हो, इसे हम कालब कहेंगे. अब आए इस एग्जांपल एक आपको देता हूं. मैं यहां पे मैंने यहां पे लिखा जी 2, 4, 3 and 1. गौर करें, ये जो अदाद मैंने लिखे हैं ये हकीकी हैं. हकीकी अदाद से क्या मुराद है? इससे मुराद आपकी सारी गिनती, यानी कि 1, 2, 3, 4, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी. चलिए यहां माइनस लेते हैं, ऐसे करके माइनस फोर हो गया. माइनस वाले भी, जो बटे वाले होते हैं वो वाले भी, उसके बाद जो जजर वाले होते हैं वो वाले भी. ये सारे अदाद हमारे हकीकी अदाद होते हैं. और गैर हकीकी वो होते हैं कि जो के कंप्लीट अंडर रूट ना हो, वो आपको आगे बताएंगे. जितनी भी गिनती है जिसमें बटे भी आ जाए, जजर भी आ जाए, इशारिया भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, उसे हम हकीकी अदाद कहते हैं. तो क्या होगा, ये हकीकी अदाद हैं जी. अब मुस्ततीली उफकी मुदी कतारी खाका क्या है, गौर करें. ये हमारे पास, अगर तो मैं सिर्फ यहां पे लिखूं इस तरह से 3 और 5, तो ये एक मुस्ततीली शक्ल है, गौर करें. ठीक है, ये एक मुस्ततीली शक्ल है, ये दूसरी, और अभी ये मरबी शक्ल है. चार जो है सर डब्बे की शक्ल में है ना ये, और ये एक मुस्ततील की शक्ल में है, रेक्टेंगल शेप में है, और ये स्केयर शेप में है. तो उफकी से मुराद होता है कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और अमूदी होता है इस तरह से वर्टिकल. तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मुस्ततीली कतारी खाका. तो कतार गौर करें, ये कतार, ये इसमें कतार है, ये भी इसमें कतार है, ये खाका है एक, जो कि ब्रैकेट से हम क्या कर देते हैं, मुहित कर देते हैं, यानी कि इसके क्या लगाते हैं, ब्रैकेट. और हमेशा इसको एक नाम असाइन करते हैं, इसको मैंने ए असाइन किया है, और इसको मैं असाइन कर देता हूं सी. कोई भी कैपिटल लेटर आपका अल्फाबेट में से लेके, तो आपने उसको शो करना है. सो ए कालब शो कर रहा है कि उसमें 2, -4, 3, 1 है, और सी कालब शो कर रहा है उसमें 3 और 5 है. अब यहां ये बात एक आपने खास समझनी है कि इसमें जो उफकी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम रो कह देते हैं, इसको हम रो कहेंगे. एक और करें जरा, ये जो हमारे पास ये है और ये है, इसको हम रो कहेंगे. ये R1 है और ये R2 है, और ये सिर्फ R1 ही है, इसमें R2 कोई नहीं है. और जो हमारे पास ये इस तरह का है ऐसे करके,
ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, ये जो वर्टिकल है अमूदी जो है इसे हम कॉलम कहेंगे। इसमें कॉलम वन है और इसमें कॉलम ये कॉलम टू है। इसमें कितने कॉलम है गौर करें, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, कॉलम वन कॉलम टू, और इसमें रो कितनी है वन एंड टू, इसमें रो कितनी है एक। होप आप बात समझ गए होंगे। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया चार तीन दो, क्या ये ठीक कॉलम है? भाई गलत है, क्योंकि गौर करें यहां पे मैंने एक कॉलम आगाज तो कर दिया, दूसरा कॉलम मुकम्मल नहीं किया, तो यहां मैंने ये मुकम्मल हो गया। अभी यहां मैं चले ऐसे लिख रहा हूं, ये मेरे साथ ऐड कर दिया, इसको मैंने ब्रैकेट से मुहित यानी ब्रैकेट से शो किया है और इसका नाम मैंने रख दिया जी एफ। ओके, अब मुझे आपने बताना है कि इसमें कितनी रोज है कितने कॉलम है। जी सबसे पहली बात, रोज क्या होती है? इस तरह हॉरिजॉन्टल उफकी, ये रोज होती है। तो जरा देख लें, इधर को गए इधर को गए, तो ये एक फिर ये दो, तीसरी है कोई यहां? कोई नहीं है। इसको हम R1 और R2 कह देंगे, यानी कि दो रोज आ गए इसमें। अच्छा कॉलम बताएं कितने हैं, ये ऊपर से नीचे पहला कॉलम, ये ऊपर से नीचे दूसरा कॉलम, ये ऊपर से तीसरा, चौथा कॉलम है कहीं यहां पे? कोई नहीं है। तो ये कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, तो ये कहा गया कि इसमें दो रोज हैं इस मैट्रिक्स में, इस कॉलम में दो रोज हैं और तीन कॉलम हैं। ओके, इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत होता है, आगे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे आपको इसका एक फायदा नजर आएगा कि मैथ में इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है। अभी सिर्फ ये समझें कि जब हम मल्टीपल आइटम्स को उफकी और उमूदी कतारी खाका बना के ब्रैकेट से हम मुहित करते हैं, ब्रैकेट उसके दिल लगाते हैं और उसे किसी अल्फाबेट से हम जाहिर कर देते हैं, इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? चलें अब आते हैं जी, कॉलम जो हमारे पास है उसका मर्तबा क्या होता है? कॉलम का मर्तबा यानी उसका ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर क्या होगा? अब ऑर्डर जरा समझ लें क्या है। देखें जी, मैंने यहां पे एक कॉलम लिखा अलग, मैंने चार लिख दिया, सिर्फ इसको ही मैंने ब्रैकेट कर दिया है, तो आपने हैरान होना है कि ये मैंने क्या कर दिया जी, सिर्फ एक ही मैंने डिजिट लिया और उसे मैंने इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स में। तो अब अगर पूछा जाए आपसे कि इसमें कितनी रोज हैं कितने कॉलम हैं, तो आप क्या कहेंगे? बट डेफिनेटली अगर ऐसे जाएं हम इधर को, ऐसे हम इधर को जाएं, तो डेफिनेटली इसमें एक रो तो है ही और कॉलम भी इसमें एक है, तो इसमें क्या है, रो भी एक है कॉलम भी एक है, ठीक हो गया। इस कॉलम का जो मर्तबा होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या बनेगा, हम लिखेंगे Z का मर्तबा यानी ऑर्डर क्या होगा, रोज की तादाद बाय कॉलम्स की तादाद। ये है जी फार्मूला, इसको आप गौर से जरा देख लें कि हमारे पास रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, उसको हम मर्तबा कहते हैं। तो ये जेड है मेरे पास, इस केस में जेड का मर्तबा क्या होगा, एक रो है और एक कॉलम है, इसको हम लिखते हैं वन बाय वन, ये हमारे पास जेड का मर्तबा आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां मैंने लिखा जी चार तीन दो एक, ये मैंने ऐसे इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स में, इसका मैंने नाम बी दे दिया। ओके, अच्छा अब जो बी का मर्तबा है यानी बी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स एंड इज इक्वल टू कितनी रोज है, गौर करें। अब गौर करें, इसमें एक और दो रोज है और दो ही कॉलम है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, इसका मर्तबा क्या आना है, टू मल्टीप्लाई टू, इसको अब जरब नहीं कहना आपने, इसको अपने टू बाय टू कहना है जी। सो टू बाय टू इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। होप आप ये सारा समझ गए होंगे। अब इस चीज को समझने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बड़े आसान है, तो जल्दी से हम आगाज करते हैं अपने क्वेश्चन का। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज
1.1। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास यहां पे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए में हमारे पास लिखा है 2, 3, -5, 6। इसको जबान कर लेते हैं, 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, 2 बाय 2, ठीक है। बी का हमारे पास ये क्या है जी, 2, 0, 3, 5। इसकी कितनी रोज हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है, इसका मतलब भी क्या आ जाएगा, 2 बाय 2। चले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी ये वाला, और कहा गया कि दर्ज जेल कॉलमों का मर्तबा बताइए। मर्तबा बताना है, यहां पे ए लिखा गया है जी। ए में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो लिखा गया 2, आप बुक के ऊपर से देखें, 2, 3, -5 एंड 6। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई एम सॉल्विंग इट। मैंने यहां पे लिखा ए का मर्तबा जी कितना होता है, ये होते हैं जी, यहां मैंने लिखा कतारों की तादाद, कतारें, जरब, कॉलम, ठीक है। अमल कर रहे हैं ना साथ साथ, अमल से मुराद हम यहां पे नंबर अजहरी बातें आएंगे अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो कतारें कितनी है इसमें, गिने जरा, 1 और 2, 2 कतारें हैं, और बाय कॉलम कितने हैं जी, 1 और 2, तो 2 ही कॉलम है। तो आंसर क्या आ गया, 2 बाय 2, ये ए का मर्तबा आ गया जी। अब आई थिंक कुछ मुश्किल नहीं है, इस तरह से आप जल्दी से सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसमें कुछ, अब दूसरा जो बी है वो तो सेम ही है, बी में भी गौर करें, उसमें भी 2 बाय 2 आना है, लेकिन सी मैं करवाता हूं आपको। सी इज इक्वल टू, उसमें लिखा है देखें 2 और ये 4, यहां कोई कामा वगैरह नहीं जी आना, सिर्फ स्पेस आती है। अब यहां लिखेंगे सी का मर्तबा, कैसे लिखेंगे, कतारें, जरब, कॉलम, ये होता है मर्तबा। कतारें कितनी आएंगी, गौर करें इसमें कितनी कतारें हैं, 1, 2, 2 कतारें, 9, सिर्फ इसमें 1 कतार है, तो कतारें 1 आ गई। अब मैं ये जरब की जगह बाय डाल रहा हूं, यहां लिख रहा हूं ताकि स्टेप 1 बच जाए। तो कॉलम कितने हैं, 1, 2, 1 बाय 2 इसका मर्तबा आ गया। अब जरा डी को देखिएगा, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी अच्छी तरह से, हर चीज को समझे। डी में हमारे पास कुछ अजीब तरह का बना हुआ, देखें ये 4 है, फिर उसके नीचे 0 है, उसके नीचे 6 है, तो डी थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, देखें कोई बात नहीं, कुछ मुश्किल नहीं। यहां लिखना है डी का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ डी क्या लिखेंगे, कतारें, जरब, कॉलम, यानी कतारें बाय कॉलम। तो मैंने कतारें कितनी जगह गिने कतारें, अब देखें 1, 2, 3, 3 रोज बाय कॉलम कितने हैं, 1 ही है, 3 बाय 1 इसका मर्तबा आ गया। अब ई को ले लेते हैं, अच्छी तरह चीजों को समझना आपने, यहां लिखा ए, फिर लिखा डी, उसके बाद बी, फिर ई, फिर सी, फिर एफ। आपने कहना भाई ये हकीकी दात तो नहीं है, ये तो एबीसी आ गई। तो भाई एबीसी आपको पता है यहां ये वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल से मुराद ये होती है कि इसमें कोई वैल्यू भी हो सकती है, लाइक ए में आप जो मर्जी वैल्यू रख लें, दिस इज वेरिएबल। तो लिखा मैंने ई का मर्तबा, क्या आएगा जी का मर्तबा, गौर करें हमने क्या लिखना है, कतारें, रोज बाय कॉलम्स। रोज कितनी है इसमें, देखें 1, 2, 3 रोज आ गई, और बाय कॉलम कितने आ गए, 1 और 2, 2 कॉलम आ गए। अब एफ को देखें, उसमें सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो 1 रो और 1 कॉलम होगा। फिर जी देखें, अब गौर से देख रहे हैं आप जी, जी में क्या लिखा है, 2, ये मैं रो वाइज चल रहा हूं, 2, 3, 0, फिर नीचे लिखा है 1, 2, 3, फिर नीचे लिखा है 2, 4, 5, तो बताएं क्या आएगा इसका, इसकी रोज कितनी है, 3, कॉलम्स कितने हैं, 3। एच को ले लें,
मैं रो वाइज चल रहा हूं, रो वाइज से मुराद ये कि मैं पढ़ूंगा इसको रो वाइज, टू थ्री फोर, और सेकंड रो में है वन जीरो सिक्स। तो कितनी रोज हो गई, टू रोज हो गई। कॉलम कितने हुए, कॉलम हो गए तीन। ये गौर करें ना, ये टू थ्री फोर एक रो, वन जीरो सिक्स दूसरी रो, कॉलम कितने, वन टू थ्री, थ्री कॉलम्स हो गए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। अब आए सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू। एक्सरसाइज सेम चल रही है हमारी 1.1, और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू में आपसे कहा गया कि आपने मसावी कालम, इक्वल कालम मालूम करने, मसावी कॉलम मालूम करें। अच्छा, अब ये मसावी क्या होते हैं ये बात समझनी है आपने। मैं लास्ट ही दे रहा हूं जो हमने क्वेश्चंस किए हैं। गौर करें, मसावी से मुराद ये होगा कि गौर करें इसमें दो रोज हैं, दो ही कॉलम है। क्या यहां जो हमने सवाल पीछे किए हैं उनमें कोई कहीं दो रोज दो कॉलम आ रहे हैं? अगर तो आते हैं तो वो ए के इक्वल और मसावी होगा, इतनी सी बात है। जिस कॉलम का मर्तबा और डिजिट्स दूसरे के बराबर होंगे वो कॉलम आपस में बराबर होंगे। अब यहां देखें ए में क्या लिखा गया है, ए में हमें दिया गया थ्री। अब ये एक कॉलम है, अब हमने देखना है कि क्या ये कॉलम किसी दूसरे के इक्वल है। अब जरा बी भी लिख लू, बी में दिया गया हमें थ्री एंड फाइव। अब ब्रैकेट ये दरमियानी नहीं है जी, ये बड़ी ब्रैकेट है, बिल्कुल इसको आपने स्ट्रेट लेके आना होता है। तो सी में क्या है, सी में हमें कॉलम में दिया गया फाइव माइनस टू। ये गौर करें जरा, एक ही डिजिट को ये आपस में सॉल्व किया जा रहा है, स्पेस नहीं है दरमियान में। डी में आ जाए, यहां पे आपने गौर किया, मैंने स्पीड में आपको यहां लिख के दिखा दिए हैं। अब आए देखते हैं कि कौन सा कॉलम किसके इक्वल है। गौर करें इसका मर्तबा, चूंकि अब हमने निकालना नहीं है बार बार, अब हमें इस चीज का आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका मर्तबा हमारे पास वन बाय वन है, इसका मर्तबा हमारे पास वन रो टू कॉलम वन बाय टू है। ये और ये इक्वल आपस में कभी हो नहीं सकते। इसको सॉल्व करें तो पांच में से अगर दो माइनस हो तो आपको पता है यहां पे तीन आ जाता है। तो डेफिनेटली क्या होगा, जो ए होगा वो सी के बराबर हो जाएगा। क्यों, इसका मर्तबा भी हमारे पास वन बाय वन, इसका मतलब वन बाय वन। इसको सॉल्व करेंगे ना जब हम, तो ये पांच माइनस दो लिखा हुआ है, यहां तीन आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास पहला आंसर आ गया जी। ए किससे इक्वल है, सी से, ये पहला आंसर हमें आ गया। दूसरा आंसर बी को देखते हैं। अच्छा, बी में गौर करें जरा, हमारे वन रो है और टू कॉलम्स है। तो अगर मैं बी को देखूं तो बी किससे जाके मैच होता है, डी से मैच होता है। गौर करें, यहां भी हमारे पास वन रो टू कॉलम है, यहां वन रो टू कॉलम, लेकिन ये मसावी नहीं है। मसावी तब होगा, याद रखें, जब मर्तबा तो बराबर हो ही लेकिन उसके साथ उसके जो डिजिट्स हैं वो भी आपस में इक्वल आ जाएं, तब मसावी होगा, मसावी कॉलम, यानी कि इक्वल कॉलम। इक्वल होता ही वो है जो दूसरे के बराबर हो गई। तो यहां तीन जो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है वहां ये इक्वल नहीं आ रहा, लिहाजा ये आपस में मर्तबा ऑर्डर वाइज तो बराबर हैं लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, मसावी नहीं है, ये कॉलम आपस में बराबर नहीं है। तो तीन पांच है जी बी में, और कहीं गौर करें तीन है और यहां गौर करें तीन और दो पांच हो जाएगा। तो हम यहां जो दूसरा हमारे पास जवाब आया बी को लेके, वो बी इज इक्वल टू आई के आएगा। उसके बाद आते हैं सी में, तो सी हो गया ऑलरेडी। डी को देखें, पांच तीन, कहीं पांच तीन आ रहा है जी, डी किसी के इक्वल है? तो पांच तीन कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, डी किसी के इक्वल नहीं है। ई किसी के इक्वल है जी, चार और जीरो। ये गौर करें, ई हमारा जे से मैच हो रहा है। अगर आप इसका मर्तबा देखें तो मर्तबा क्या है, टू बाय टू, टू बाय टू,
और इसके जो डिजिट्स हैं वो पहले 4, यहां 4, यहां 0, यहां 0, ओके, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होने, आपस में 0 आना है, और 4 प्लस 2 6 होता है, 6 आ गया, और 2 प्लस 0 2 होता है, 2 आ गया. सो ये मेरे पास जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें ई जो होगा वो इक्वल आ जाएगा किसके, जे के जी. ओके, एफ को देखें, 2 और 6, तो कहीं 2 और 6 आ रहा है, ये नीचे गौर करने जरा, एफ और जी को जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, तो यहां भी 2 है, और यहां 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, यहां भी 6 है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एफ इक्वल हो जाएगा जी के. ओके, जी हो गया जी, एच 4 0, ये जे से इक्वल हो चुका है, जे से ई इक्वल हुआ था, एच जो है ये भी इक्वल है गौर करें ई के, तो इसको हम इसको यहां पे और इक्वल लिख के एच लिख देंगे, ई जे और एच तीनों आपस में इक्वल है, और आई 3 और 5 ये आई हो चुका बी के साथ, तो देखें ये सारी जो इक्वालिटी थी मैंने वो निकाल ली. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका था वो भी सॉल्व हो गया. एक्सरसाइज हमारी अभी 1.1 ही है और हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन. अब इक्वालिटी तो आपको पता चल गया क्या होती है. इक्वालिटी से मुराद के जो भी हमारे पास मैट्रिसेस के ऑर्डर है, मर्तबा उसका वो बराबर होगा, नंबर 1 और नंबर 2 उसके डिजिट्स भी आपस में बराबर होंगे, तो वैल्यूज को फाइंड करना है. चले आए देखते हैं, क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं जी, तो क्वेश्चन है, मैं बुक जरा करीब कर लेता हूं, उसमें ए प्लस सी, फिर ए प्लस टू बी, फिर सी माइनस 1 एंड 4d माइनस 6. दिस इज अ मैट्रिक्स एंड इट इज इक्वल टू द अदर वन एंड दैट इज 0 माइनस 7 3 एंड 2d. दैट्स इट. अब यहां गौर करें, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है. सिंगल अगर बात करेंगे तो मैट्रिक्स कहेंगे, और ज्यादा होंगे तो मैट्रिसेस कहेंगे, यानी कि कॉलम ज्यादा. हमने क्या करना है जनाब, गौर करें, इसको हमने अब इसके इक्वल रखना है, और इसको हमने इसके इक्वल रखना है, इसको इसके इक्वल रखना है. सो लेट्स स्टार्ट. यहां पे ए प्लस सी जो होगा वो इक्वल होगा 0 के. इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं. ए प्लस टू बी जो होगा ये होगा इज इक्वल टू माइनस 7 के. ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई. सी माइनस 1 जो होगा ये होगा 3 के. ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई. एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू होगा 2d के. दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन. अब इन्हीं को हमने आपस में बराबर बराबर रख के तो चार इक्वेशंस बना ली हैं. अब यहां से गौर करें, हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं. पहले c को निकाल लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू 3, यानी कि तीसरी मुसावात के मुताबिक, क्या इसके मुताबिक, क्या इसके मुताबिक है जी, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड सी. अब ये आपको रूल का पता होना चाहिए कि डिजिट्स एक साइड पे जाते हैं, वेरिएबल्स एक साइड पे जाते हैं. मैंने कहा एक साइड, किस चीज की एक साइड, ये है इक्वल. इसकी एक साइड पे आपने डिजिट्स कर लेने हैं और एक साइड पे वेरिएबल्स कर लेने हैं, तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आती है. अभी गौर करें, इधर मेरे पास वेरिएबल सी है और साथ माइनस 1 लिखा हुआ है और इक्वल टू 3 है. भाई या तो मैं इस 3 को इधर ले आऊं और इस सी को उठा के इधर ले आऊं, या मैं ये जो साथ मुझे माइनस 1 नजर आ रहा है इसको उठा के उधर ले जाऊं. देखे ना, मैं वही करने लगा हूं कि सी तो सी रहा, इस माइनस 1 को जब हम उस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये इसकी इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है. एक्चुअली लंबा रूल है एक मैथ का, थोड़ा मैं आपको करके दिखा देता हूं. उसमें इस तरह होता है, जब हमने इक्वेशन
का मतलब होता है इक्वेलिटी, ठीक है ना। अब नजर ही आ रहा बराबर, भाई बराबर है ना, तो बराबर का मतलब क्या होता है, जो इस तरफ है वो इस तरफ है, तो जो काम हम बराबर के इस तरफ करते हैं वो इस तरफ भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहां इस तरफ भी जमा एक करते हैं बराबर और इस तरफ भी जमा एक करते हैं। तो होता क्या है कि ये तो इसे कैंसिल हो जाता है, तो c इज इक्वल टू बनता है 3 प्लस 1 4। तो देखिए ये जो मैंने एक स्टेप किया है, ये वाला जो स्टेप है, अगर मुझे मैथ की स्किल्स हो तो मैं स्टेप को ना करूं, मैं डायरेक्ट ही क्या कर लूं, मैं डायरेक्ट ही ये 3 प्लस 1 करके तो c इज इक्वल टू 4 ले आऊं, वही मैं यहां कर रहा हूं। और करें, ये मैंने स्टेप ये वाला यहां कर लिया है, ये इधर भी दोनों तरफ जमा एक करने से है, लिखना पड़ेगा कि दोनों मुसावात के दोनों तरफ जमा एक करने से, बड़ा लंबा काम है। तो इसको शॉर्टन करने के लिए ये एक रूल होता है कि आप ये बात समझें, अभी ये तो मैथ का रूल हो गया ना, समझा दिया मैंने, लेकिन यहां ये बात समझनी है इजी काम करने के लिए, क्योंकि बराबर के इस तरफ अगर माइनस एक है तो उधर जाके जमा एक हो जाएगा, बस सीधा सीधा मामला है। अब 3 जमा 1 हो गया तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई, यहां भी देखें 4 आई थी, इधर भी 4 आई थी, ओके। तो अब सी इज इक्वल टू 4 आ गया, सी की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अच्छा, निकालना क्या है हमने, ये देखे ना, उसने मुझे कहा कि आपने ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है, गौर करें, उसने मुझे यहां पे कहा हुआ है कि भाई आपने फाइंड करना है ए बी सी एंड डी की वैल्यूज को, तो सी की वैल्यू फाइंड नहीं हो गई, सी इक्वल टू 4 हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक, पहली मुसावात के मुताबिक, इसके मुताबिक क्या है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम सी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, सी की कीमत दर्ज की, तो करें दर्ज, ए प्लस सी की वैल्यू 4 है, मैंने 4 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। अब वही तरीका, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो इस 4 को कहां ले जाएंगे, उधर, तो ए की वैल्यू -4 आ गई। अब गौर करें आप, सी की वैल्यू मैंने निकाल ली है 4 है, और ए की वैल्यू क्या आई, -4, क्लियर, सी की भी आ गई ए की भी आ गई। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, गौर करें, यहां मेरे पास इक्वेशन है उसमें a लिखा हुआ है और 2b और ये 7, और यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं b की, तो आए निकालते हैं, यहां लिखते हैं सेकंड। अब ये मैंने यहां ऐसे लाइन थोड़ी सी लगाई ताकि आपको आसानी हो, ये a की निकल आई है c की। अब दो मुसावात के मुताबिक, यहां रूह से भी लिख लेते हैं कि दो की रूह से, एक की रूह से, तो दो की रूह से क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, वैल्यू पुट करें, a की कीमत दर्ज करने से, ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहां, -4, मैंने लिखा -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अच्छा, इसको सॉल्व करें, 2b तो 2b रहा, अब ये जो -4 था ये उधर जाके क्या हो गया, +4, सारा समझा चुका हूं मैं, तो 2b इज इक्वल टू, अब -7 है और जमा 4 है, इसे क्या करेंगे जी, -7 है जमा 4 है, यहां हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं, मैथ की कुछ साइंस के रूल होते हैं, अलामतों के रूल होते हैं, लेट मी डिफाइन, मैं उन्हें यहां समझाना चाहूंगा आपको, क्योंकि जब तक ये बुनियादी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी आपको समझ नहीं आएगी, तो यहां मैं आपको समझाने लगा हूं कि ये रूल्स क्या होते हैं। देखिए, यहां हमने क्या करना होता है कि ये तो आपको याद है कि अगर जमा 7 हो और जमा 4 हो तो इसका जवाब क्या आना है, ये मैं यहां पे जमा 7 जमा 4 लिखा, फिर यहां मैंने जमा 7 और -4 लिखा, फिर यहां मैंने -7 और जमा 4 लिखा, और यहां मैंने -7 -4 लिखा, ये 4 ही कंडीशन हो सकती हैं जी, और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो हम आज तक पढ़ते आए हैं, आपको पता है कि जमा 7 और जमा 4 कितना होता है, अच्छा आपको पता है कितना होता है, ये जनाब जमा 11 होता है, ठीक है,
ये भी आज तक आप पढ़ते आए हैं, छोटे नर्सरी से लेके पढ़ते आए हैं, भाई जमा सात में से माइनस चार निकालें तो जमा तीन आना है, ये आपको पता है। ये दो चीजों का आपको नहीं पता, अब मैं अभी आपको समझा देता हूं। देखिये माइनस सात है और जमा चार है, इसका आंसर जरा गैस करें यहां क्या आएगा। माइनस सात है जमा चार है, गैस करें क्या आंसर आएगा। जी जनाब माइनस थ्री आएगा, कहीं का ठीक होगा कहीं गलत होगा। अच्छा इसका जवाब क्या आएगा, इसका आएगा माइनस ग्यारह। अब कहीं का ठीक होगा कहीं गलत होगा। अब जिनका ठीक आ गया चले वो भी समझ लें जरा उनकी रिवीजन है, और जिनका गलत आया है वो जरा समझ लें कि इनको हम साइंस को हल कैसे करते हैं। रूल की याद रखें, जब हमने साइंस को हल करना है तो जो बड़े के साथ अलामत होती है वो लगानी है। देखिए सात और चार में बड़ा कौन है, सात, और सात के साथ कौन सी अलामत है, जमा। अलामत कौन सी लगी, जमा लगी। बड़े के साथ जमा है, जमा लगी। बड़े के साथ माइनस है, माइनस लगी। बड़े के साथ माइनस है, माइनस लगी। तो पहला रूल क्या हुआ कि बड़े के साथ जो अलामत है वो लगाते हैं जब सॉल्व कर रहे होते हैं। इनमें जरब नहीं कहीं हो रहा है, बात समझे। जरब वाले रूल अलग होते हैं, माइनस जरब माइनस जमा, वो आपको बाद में बताएंगे जब उसका कोई सवाल आएगा। अभी ये समझे ये सॉल्व हो रहा है, इसमें कोई जरब नहीं हो रही। तो क्या कर रहे हैं कि जब हमने दो डिजिट्स को आपस में सॉल्व करना है, जब उनके साइंस लिखे गए हों तो कैसे सॉल्व करना है, जो बड़े के साथ अलामत होती है ना वो अलामत जो आप में आती है, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर तो अलामतें एक जैसी हों तो डिजिट्स को जमा करें, डिजिट्स को जमा कर दें। अगर अलामतें डिफरेंट हों तो डिजिट्स को माइनस कर दें, सिंपल। आए देखें जरा, अलामतें एक जैसी हैं जमा हो गए, अलामतें एक जैसी हैं डिजिट जमा हो गए, ठीक। अलामतें मुख्तलिफ हैं डिजिट तफरीक हो गए, अलामतें मुख्तलिफ हैं डिजिट तफरीक हो गए। अगर बड़े को आप ऊपर रख लें तो आपके लिए आसानी हो जाया करेगी जरा। आई होप आप बात समझ गए होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, इतना मुश्किल नहीं है। दो चीजों का ख्याल रखना है आपने, पहले तो ये देख लें कि जरब नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो पहले देख लें। इसके बाद दो चीजों का आप ख्याल रखें जब सॉल्व करना है, कि अगर तो अलामतें एक जैसी हैं, अगर तो अलामतें एक जैसी हैं डिजिट्स को जमा कर दें, इस केस में और इस केस में, इधर और इधर, ठीक है। अलामतें एक जैसी हैं डिजिट्स क्या हो गए, जमा हो गए। अच्छा दूसरा रूल, अलामतें मुख्तलिफ होंगी तो डिजिट्स तफरीक होंगे, और हमेशा अलामत लगानी वो है जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ जमा, बड़े के साथ जमा, बड़े के साथ माइनस, बड़े के साथ माइनस, जो आपने वो अलामत आनी है। इसकी प्रैक्टिस करें, जो आपके ट्यूटर हैं वो डिफरेंट आपको कुछ क्वेश्चन लिख के देते हैं, खुद भी आप लिखें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा ना आपको तो फिर ही आगे आप बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे मैंने कैसे सॉल्व करना है। तो चलें इसको जरा देख लें, मैंने जल्दी से करना है इसको हल। अलामतें मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी, मैंने माइनस करना है तो सात में से चार गया बाकी तीन आ गया। अब बड़े के साथ कौन सी अलामत लगी हुई है, माइनस, तो यहां मैंने माइनस लिख देना है, तो बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, क्लियर। अब यहां देखें दो बी के साथ क्या कर रहा था, जरब खा रहा था, तो जरब का उलट क्या होता है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा, बी की वैल्यू बनी माइनस थ्री ओवर टू, बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री ओवर टू, क्लियर। चलें अब हमारे पास बच गया जी डी, अब डी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए जगह मुझे यहां पे अब नजर नहीं आ रही है कहीं, तो आई थिंक मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए। चलो इसको सामने रख लेते हैं, तो डी की जो वैल्यू है, गौर करिए मेरे सामने ही है इधर, ये मैंने इसको सामने रखा है इस तरह ताकि आपको समझ आए। ये मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d, क्या करेंगे, वेरिएबल इकट्ठे कर लें एक साइड पे, ये 4d है, ये जो जमा 2d है इधर आके माइनस 2d हो गया, और ये जो माइनस सिक्स था उधर जाके जमा सिक्स हो गया, सॉल्व करें। अच्छा d तो एक हो गया ना, अब ये चूंकि 4d है और माइनस 2d है तो d लगना है, जमा चार है माइनस दो है, अलामतें भी मैंने आपको समझाई है, रूल आ गया,
जमा चार माइनस दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, अदाद तफरीक होंगे, बड़े के साथ जमा की अलामत जमा लिखें चाहे ना लिखें। दो डी इज इक्वल टू सिक्स आ गया जी, और डी इज इक्वल टू क्या आया सिक्स। अब यहां दो जरब खा रहा है डी के साथ, उधर जाके बटे के नीचे आना है, यानी कि जरब का उल्टा तकसीम होता है, और डी इज इक्वल टू आ जाएगा टू थ्री जा सिक्स, इसे मैंने कैंसिल किया है। दो का हम टेबल पढ़ेंगे, दो एक बार दो, और दो तीन बार दो, दो बार चार, दो तीन बार छह, तो तीन बटा एक एक्चुअली आता है, लेकिन हम बटा एक नहीं लिखा करते, ये मैथ का रूल समझ लें कि यहां दो एक बार दो, दो तीन बार छह, तो जवाब आता है तीन बटा एक, लेकिन तीन बटा एक का मतलब क्या होता है, तीन ही होता है, डी थ्री के इक्वल आ गया जी। ए हमारे पास जो आया वो माइनस फोर, बी जो हमारे पास आया वो माइनस थ्री ओवर टू, सी जो हमारे पास आया वो फोर, एंड जो डी आया वो थ्री, डी जो भी निकाला है देखें आप वो थ्री आया। इस तरह आपकी 1.1 जो एक्सरसाइज वो आज मुकम्मल हो गई।